महू निमाड़ मालवा की सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र विंध्यवासिनी मां पार्वती माता का मंदिर में चैत्र नवरात्रि उत्सव को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। निमाड़ मालवा की 100 से अधिक भक्तों की विशेष समितियों का गठन भी किया है, जो प्रतिदिन मंदिर की व्यवस्थाओं से लेकर चुनरी यात्रा, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल साफ सफाई, टेंट लाइटिंग, दर्शन, रात्रि कालीन निगरानी आदि की व्यवस्था देखेगी। नवरात्रि उत्सव पर माता का प्रतिदिन विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह 7 बजे व शाम को 7 बजे माता की भव्य आरती होती है। भक्तों के लिए प्रतिदिन विशेष प्रसादी का वितरण, निःशुल्क फरियाली खिचड़ी चाय हर श्रद्धालु को वितरित की जाती है। नवरात्रि पर्व पर मंदिर में प्रतिदिन शतचंडी महायज्ञ, हवन पूजन विशेष पंडितों द्वारा किया जाता है। नवरात्रि पर्व पर आसपास के अनेकों गांवों से भक्त पैदल चुनरी यात्राएं लेकर माता को चुनरी चढ़ाते हैं। चैत्र व शारदीय नवरात्र के अलावा वर्ष भर यहां भक्त माता के दर्शन करने प्रतिदिन आते हैं। निमाड़ मालवा क्षेत्र की सीमा पर यह एकमात्र पार्वती माता मंदिर है। मंदिर के नीचे बना प्राचीन पर्यटक स्थल जाम दरवाजा भी ऊपर दरबार से देखने पर मनमोहक लगता है। नर्मदा पुराण के अनुसार राक्षस महिषासुर स्वर्ग की चढ़ाई करने के लिए उद्देश्य से अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर विनाश कर रहा था। तब सभी देवताओं ने मां पार्वती से महिषासुर का वध करने की प्रार्थना की। इसके बाद देवी ने विंध्यवासिनी का रूप धारण कर महिषासुर राक्षस का वध किया। तब से ही माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। माता के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पार्वती माता मंदिर में सुबह से शाम तक माता के 3 अलग अलग रूपों में दर्शन होते हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों व मंदिर पुजारी ने कहा कि प्रतिमा को ध्यान से देखने पर सुबह बाल्य अवस्था, दोपहर को युवा अवस्था, संध्याकालीन में वृद्ध अवस्था दिखाई देती है। भक्तों के अनुसार माता के दर्शन के लिए अष्टमी और नवमी पर शेर भी आता है, जिसकी दहाड़ अनेकों भक्तों ने भी सुनी है। 2011 में मंदिर की शुरुआत महू के पूर्व विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। मंदिर कमेटी में उस समय 28 सदस्यों ने निर्माण का बीड़ा उठाया था, जो कि आज मंदिर कमेटी में 85 सदस्य है, जो पूरे समय सक्रिय रहकर अपना योगदान देते हैं। पार्वती मैया की जय। सचंडी यज्ञ चल रहा है माँ पार्वती माया का। आज से नवरात्रि चालू हो गई है और नवरात्रि चालू होने पर हमारी मंदिर ट्रस्ट ने अलग अलग समितियाँ बनाई है, जिसमें संपूर्ण भक्तों को देखते हुए जो असावधानी हो उसके लिए समितियाँ बनाई गई है। समर्थन में इस प्रकार से खिचड़ी प्रसादी है, चाय प्रसादी है, यज्ञ की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इसलिए सभी प्रकार से रेलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर रेलिंग बन गई है माता रानी के दरबार में और बहुत सारा काम मार्गा का काम चल रहा है। नवरात्रि का निर्माण हो चुका है और सभी भक्त मंदिर में माता के दर्शन करने जरूर आए और माता रानी का सम्मान। 9 दिन में क्या क्या होगा मंदिर के अंदर? 9 दिन में माता रानी का सचंडी यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में साई होकर डलती है और साई लोग भक्त लोग दर्शन करने जरूर आए और चुनरी यात्रा लेके आते हैं, खिचड़ी प्रसादी बांटते हैं, चाय प्रसादी होती है, सारी व्यवस्थाएं की जाती है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अष्टमी नवमी पे क्या आयोजन रहेगा? अष्टमी नवमी को महाअष्टमी की एक महाआरती होगी शाम को 7 बजे आरती में, और उसमें दीपक से आरती की जाएगी और महाआरती की जाएगी और सहस्त्र चंडी यज्ञ चल रहा है, जिसमें सहस्त्र अर्चन किया जाएगा माता रानी का, जो आपके फूल से और कमल गट्टों से किया जाएगा, और नवमी को संपूर्ण भंडारा है, कन्या भोजन भी है। आपका नाम? संदीप पाटीदार, सोमाली से।